कुछ आमाल हैं जिनकी जजा जन्नत है, दराजात की बुलंदी है, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है जिसकी जजा फकत जाते करीम जल्ला वाला है। और फिर रोजे के बारे में ये भी बतला दिया गया कि कयामत के दिन जब आदमी के पास दुनिया का माल नहीं होगा तो लोगों के नेक आमाल उसके जुल्म ज्यादती गुनाह के बदले में दूसरे को दे दिए जाएंगे, लेकिन रोजा किसी को नहीं दिया जाएगा। रोजा की इबादत उसी के पास रहेगी। फरमाया अस्सौमु ली, रोजा तो है ही मेरे लिए। तो कयामत के दिन दीगर इबादत यानी बंदे की नेकियां उसके जुल्म ज्यादती के बदले में उसके ऊपर जिनका हक था उनको दे दी जाएंगी, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जो किसी को भी नहीं दी जाएगी।